नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कलेक्टर में कार्यरत दलित होमगार्ड के घर में गांव के तबंगों ने बोला हमला। घर में घुसकर डीजल डालकर झोपड़ी को किया आग के हवाले। आग की लपट से बचकर घर के बाहर निकले परिजनों पर दबंगों ने पथराव कर जमकर चलाए लाठी डंडे। पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के थाना बरौर क्षेत्र के गांव बेलामो का है, जहां पर पीड़ित की मां सावित्री देवी ने गांव के दबंगों पर आरोप लगाते हुए बताया कि मेरी बेटी जिसकी उम्र 16 वर्ष है वह अपने कमरे पर थी, तभी अचानक गाँव का एक व्यक्ति बेटी को घर अकेला पाकर बदनीयत से घर में घुसा, बेटी के साथ छेड़छाड़ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। बेटी के शोर मचाने पर आरोपी मौके से भाग निकला, जिसकी सूचना पीड़ित की मां ने डायल 112 को दी थी। पुलिस में शिकायत करने से नाराज आरोपी ने अपने दबंग साथियों के साथ पीड़ित के घर पर लाठी डंडे धारदार हथियार से हमला बोल दिया। दलित परिवार की झोपड़ी में डीजल डालकर झोपड़ी को आग के हवाले कर दिया। आग की तेज लपटों को देखकर परिजनों में चीख पुकार मच गई कि झोपड़ी के अंदर फंसा परिवार जान बचाने के लिए जब इधर उधर भागने लगे तो दबंग आरोपी ने अपने साथियों के दलित परिवार के लोगों पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे घायल अवस्था में परिजनों को देखकर दबंग आरोपी साथियों को मिलकर उन पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। पीड़ित की मां ने पुलिस में तहरीर देते हुए बताया, ये व्यक्ति गांव के दबंग है, मेरी और मेरे परिवार को इनसे जान का खतरा भी है। क्या घटना हो गई थी? सर, अपने घर पे हम बैठे थे और जी लोग आना चकड़ी पीछे से आके हमारे साथ बदतमीजी करने लगे, मारपीट, मेरे कपड़े बड़े पारे। और कौन लोग थे वो? हरी बाबू और गोलू और शिवम और तमाम लोग थे। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद मम्मी, मेरी मम्मी भी साथ में मारपीट की और इसके बाद धमकी दे के चले गए, मेरे घर में आग लगा दी, मेरे पैसे भी रखे थे, कागज भी रखे थे, गेहूं भी सब जल गए। आप घर में आग लगा दी? किस बात को लेकर? ये लोग पुरानी कोई रंजिश? हाँ, पुरानी रंजिश थी। इसके बाद आप थाने गई? थाने गए, उसने कोई मेरी सुनाई तक नहीं की। पुलिस ने कोई सुना नहीं की? कोई नहीं सुनाई। आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं। अगर आप अगर न्याय नहीं मिला तो क्या करेंगे? हम कुछ भी कर सकते हैं। नाम है आपका? मेरा सावित्री। कहाँ रहती हैं आप? बेड़ा में। क्या घटना हो गई? आग लगा दी मेरे द्वारे। कितने आग लगा दी? गोलू ने। किस बात को लेकर आग लगाई? इस बार की क्यों रहती है चुमरिया नीच जा चुमरिया? तो गाली गलौज करते हुए क्या कोई पुरानी रंजिश? पुरानी रंजिश यही है, गोबर डालती है, जमीन को लेकर विवाद है। हाँ, बस। इसके पहले भी आपके साथ मारपीट कर चुके हैं? तीन चार बार कर चुके हैं। क्या आपने थाने में तहरीर दी? यदि आपने थाने में तहरीर दी तो अब तक क्या कार्रवाई हुई? कुछ नहीं हुई। कुछ नहीं हुई। क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? जाइए, क्या कहते हैं, राजी हो जाओ। राजी नहीं होंगे सर। मतलब घटना के बाद वो लोग कहते हैं राजी हो जाओ। अगर आपको न्याय नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? मैं न्याय नहीं मिला तो फिर जो होगा वही करेंगे। अच्छा, तो आपके आप अपने घर पे नहीं है? ना। वो लोग घर पे घूम रहे हैं? ये घूम रहे हैं लाठी लेके। आखिर आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको सजा चाहिए। किस तरह से न्याय? सजा ये चाहिए सर कि हमको रहने नहीं देते, लड़कियों को मारते हैं, सब कुछ करते हैं। अच्छा, सजा चाहिए।